गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 9:30। राजा बेटा नाश्ता करने बैठे हैं। आज वो पहली बार अपने हाथ से खा रहे हैं क्योंकि मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो बार बार इशारे में मुझसे कह रहे हैं, मम्मा बहुत ही यम्मी बना है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो आज अपने हाथ से खा रहे हैं। छोला एकदम तीखा नहीं बना है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पति देव का भी मैंने तैयार कर दिया है स्पेशल थाली, तो वो भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मैं साथ में आज नहीं खा रही हूँ क्योंकि भटूरा सबको गरम गरम ही चाहिए, तो घर में सबको छान के देना था, इसलिए पति देव को दे दिया है। फिर उसके बाद मैं भी बैठ गई हूँ अपनी स्पेशल थाली लेके छोले भटूरे की। हम ज़्यादा करके ज़मीन पे बैठ के खाना ही पसंद करते हैं, बिस्तर पे नहीं, क्योंकि बिस्तर पे दिन भर राजा बेटा को रहना रहता है, वो गंदा होगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। खाना खा के मैंने तुरंत ही कमरे को क्लीन किया क्योंकि खाना खाने के बाद भटूरे के कुछ टुकड़े थे जो ज़मीन पे गिर गए थे, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। बच्चा है छोटा, घर में कुछ भी कर सकता है वो, तो उसको नमकीन या कुछ भी समझ के मुंह में डाल लेगा, इसलिए उसको मैंने पहले क्लीन किया। उसे फटाफट से झाड़ू लगा दिया है मैंने, जहाँ हमने खाना खाया था बस उतने ही, क्योंकि रूम मैंने पहले ही साफ कर दिया था, तो बस जहाँ खाना खाया था वहीं तक का साफ करना था। इसे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के फेस वॉश करके बैठ गई हूँ थोड़ी देर। गर्मी भी ज़्यादा है, यहाँ बैठ के देख ही रही हूँ कि ये दोनों लोगों की मस्ती स्टार्ट है। दोनों लोग मोबाइल में पूरी तरीके से बिजी हैं। खैर कोई नहीं, फिर शाम होते ही हम राजा बेटा और पति देव निकल चुके हैं ऐसे ही घूमने के लिए। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो बस ऐसे ही हम बाइक से चल दिए हैं कि थोड़ी दूर घूम के आते हैं। हरियाली बहुत ही अच्छी दिख रही थी। आज हम लोग दूसरी साइड जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर हमने सोचा था कि राजा बेटा का स्कूल भी आप देख लेंगे, ऐसे एडमिशन तो कराना नहीं है, अभी अगले साल ही कराएंगे, बट फिर भी सोचे कि एक बार देख के आ जाते हैं। तो ये है राजा बेटा का स्कूल, चाणक्य एकेडमी स्कूल। तो काफ़ी अच्छा है, कैंपस काफ़ी बड़ा स्कूल का दिख रहा था। आज संडे है तो स्कूल खुला नहीं है। मैं तो मना कर रही थी कि नहीं जाते हैं, लेकिन पति देव का जिद था कि चलो दूर से ही देख के आ जाना, तो बस इसीलिए आ गई थी। यहाँ स्कूल को देख रहे थे हम, तो गार्ड ने हमसे सारी जानकारी ली, कुछ बातें हमने भी पूछी, तो उन्होंने बताया कि स्कूल कल खुलेगा, कल आप आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम स्कूल देखने के बाद हम घर की तरफ आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।